आगरा में G20 डेलीगेशन आज ताजमहल का दीदार करेगा। जब डेलीगेशन के लोग ताजमहल का दीदार करने आएंगे तो उन्हें दो ताजमहल देखने को मिलेंगे, एक सफ़ेद संगमरमरी ताजमहल और एक रेत से बना हुआ ताजमहल। ये रेत से बना ताजमहल असली ताजमहल के सामने यमुना की तलहटी पर बनाया गया है। नगर निगम द्वारा ये रेत का ताजमहल बनाया गया है। इसको लगभग 60 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा बनाया गया है। ये रेत का ताजमहल है। इसको बनाने में लगभग 2 दिन से ज़्यादा का समय लगा है। इस ताजमहल पर G20 का लोगो लगाने के साथ ही आई लव इंडिया और वासुदेव कुटुंबकम लिखा गया है। ताजमहल के सामने एक और रेत से ताजमहल बनाया जा रहा है। इसके द्वारा बनाया गया है, कौन सा विभाग है, क्या है सारी? ये नगर निगम द्वारा G20 में आए मेहमानों को के लिए बनाया गया, जिससे शहर की और अच्छी फिजा जाए और वासुदेव कुटुंबकम के रूप में। वैसे भी तो हमारा देश प्रचलित है पूर्व में, तो इसलिए ये दर्शाया गया है कि इससे अपने देश का नाम आगे हो। कौन से विभाग के द्वारा ये बना? ये नगर निगम द्वारा बनाया गया। कब से शुरू हुआ, कब तक बनकर तैयार हो जाए? ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। इसको 4 दिन हुए क्लियर करते हुए, और ये माननीय रूपेश सिंह जी हैं, वो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बनाया। मैं रूपेश सिंह, मूल निवासी बलिया का और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र हूं और विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु एक संकल्पित रेत कलाकार हूं। आपने रेत पे एक ताजमहल बनाया G20 लोगों। कितना रेत का इस्तेमाल हुआ, कब से शुरू किया गया, क्या रहा था? सर, रेत की क्वांटिटी तो लंबाई चौड़ाई में बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते। लंबाई चौड़ाई इसकी लगभग 30 फुट बाई 60 फुट के आसपास है, और रेत और पानी कलर के अलावा इसमें कुछ हम लोग का परिश्रम है और इसके अलावा कुछ मिक्स नहीं किया गया इसमें। कितना समय लगा इसमें? पिछले 2 दिन से कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं और अभी 1-2 घंटा और लगेंगे इसको। अभी हम लोग फाइनल टच दे रहे हैं, 1 घंटा में और फाइनल मतलब तैयार हो जाएगा। ये कलाकृति ये मैसेज दे रही है कि G20 में जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, जो बाहर के अन्य देशों से जो हमारे अतिथि आ रहे हैं, उनके स्वागत में आगरा के ताजमहल पे उनको एक ताजमहल व्यू पॉइंट की जगह पे उनके लिए एक स्वागत के रूप में उनको स्वागत करती हुई आकृति बनाया है, जिसमें G20 के लोगों के साथ आगरा का ताजमहल को भी दिखाया है, दिखाने का प्रयास किया है। अब तक आप क्या क्या बनाते हैं? मैं निरंतर समसामयिक घटनाक्रमों पे, तत्कालिक घटनाक्रमों पे निरंतर तरह तरह की आकृतियों से समाज के सभी धर्म वर्ग को जोड़ने का प्रयास करता हूं तथा एक समाज में सार्थक संदेश देने का प्रयास करता रहता हूं। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होलीगेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।